हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ई की मात्रा मीन्स ह्रस्व ई की मात्रा सीखी थी। अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं दीर्घ ई की मात्रा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दीर्घ ई लगाकर जो मूलाक्षर है वो बनाया गया है। देखो यहाँ पे क अधिक दीर्घ ई बराबर की, दूसरी की, यहाँ पे क को दीर्घ ई की मात्रा लगाई गई है। उसी तरह से म अधिक दीर्घ ई बराबर है मी। तो इसी तरह से हम और भी शब्द देखने वाले हैं, उसे दीर्घ ई किस तरह से लगाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो चलो देखो यहाँ पे आपके बुक में पेज नंबर 23 के ऊपर आओ पहचानी आओ जानी ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे ईद ईख, यहाँ पे दो शब्द दी गई है वो डायरेक्ट ई से दीर्घ ई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि वो डायरेक्ट दीर्घ ई से स्टार्ट होते हैं, उसे हम उसी तरह से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। उसी तरह से हम देखने वाले हैं मछली शब्द किस तरह से बनाया गया है, मीन्स मछली का संधि विग्रह। म अधिक अ अधिक छ अधिक अ अधिक ल अधिक दीर्घ ई। हमने अ की मात्रा सीखी है तो म छ और ल को दीर्घ ई लगने से क्या हो गया, ली, म छ ली। इस तरह से दीर्घ ई की इस्तेमाल होता है। उसी तरह से नीचे है ची, चिल का पिक्चर भी आगे दिया गया है। च अधिक ई अधिक ल अधिक अ बराबर है चील। उसी तरह से हमने मछली और चील ये शब्द देखे, उसी तरह से हम नीचे आओ पढ़े में हम शब्द पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे शब्द है नीर, मीन्स हम इसे नीर का संधि विग्रह किस तरह से कर सकते हैं, न अधिक दीर्घ ई अधिक र, इस तरह से नीर शब्द तैयार होता है। तो हम इसी तरह से आगे के शब्द पढ़ते हैं। हम जब आपको HW टेस्ट होगा उसमें ये दिया जाएगा। दूसरा है देखो उसके नीचे गीता, पीपल, अमीर, गिलहरी, दीपावली, खीर, शीशा, पनीर, लकड़ी, पिचकारी, नाशपाती, बीस, चीता, धरती, मकड़ी, खरीदारी, शरारती। इसी तरह से देखो यहाँ पे हर एक शब्द को गुलाबी रंग से ई की मात्रा दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे गुलाबी रंग से ई की मात्रा दर्शाई गई है उसी तरह से हमें उसे पढ़ना है और लिखना भी है। हम आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे है आओ लिखो में हमें शब्द संधि विग्रह दी गई है, उसे हमें शब्द बनाना है, मीन्स संधि बनानी है। तो देखते हैं चलो। देखो यहाँ पे आओ लिखे में तीन संधि विग्रह दी गई है, उसे हमें शब्द मीन्स संधि बनाना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। श अधिक दीर्घ ई अधिक त अधिक अ अधिक ल अधिक अ। श को दीर्घ ई लगाने से क्या हो जाता है, शी त ल, आगे अ की मात्रा है तो शी त ल, इस तरह से इसका संधि होता है। दो नंबर का है प अधिक ई अधिक प अधिक अ अधिक ल अधिक अ। प को दीर्घ ई की मात्रा लगाई गई है तो उसका हो जाएगा पी प ल। उसके नीचे है तीन नंबर का ख अधिक अ अधिक र अधिक ई अधिक द अधिक आ अधिक र अधिक ई। देखो यहाँ पे दो जगह पे ई की मात्रा लगाई गई है, एक जगह पे अ की और एक जगह पे आ की। तो ख को अ की मात्रा है इसलिए ख, र को दीर्घ ई की मात्रा है इसलिए री, और द को आ की मात्रा है इसलिए दा, और र को दीर्घ ई की मात्रा है इसलिए री।
इसलिए इसका संधि हो जाता है खरीदारी। इसी तरह से आपको हर एक शब्द का संधि विग्रह भी करना आना चाहिए और संधि भी करना आना चाहिए। आगे हम इकी मात्रा की कविता देखते हैं। यहाँ पे हम दीर्घ इकी मात्रा की कविता अब पढ़ते हैं। नानी कहती बहुत कहानी, नानी कहती बहुत कहानी, सुन लो मिष्टी सुन लो रानी। नानी है वो अपने पोती से कहानी सुना रही है। यही कहानी कहना तुम भी, नानी जैसी रहना तुम भी। और कह रही कि मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ वो भी आपको किसी को बताना है और मेरी तरह से ही आपको रहना है। सीख लिए है यह प्यारी सी, किरण लगे इस उजियारी सी। और इससे जो सीख मिलेगी वो भी आपको कायम आपके मन में रखना है। तो यहाँ पे देखो हर एक शब्द को गुलाबी रंग से एक ही मात्रा दर्शाई गई है। आप इसे बार बार पढ़ के याद भी कर सकते हैं। तो आज हमने ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा सीखी है। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो है वो हम अभ्यास नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। धन्यवाद।